Going live. नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? आएगा, आ गया। ओके, आप आ गए हो फटाफट से। अभी ऐड है, ऐड को स्किप करेंगे फटाफट से। बताओ आवाज आ रही नहीं आ रही है? फिर अपन लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं अपना। आवाज तो आ रही है, मेरे हेडफोन में तो आ रही है। खुद को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप आते रहना, बाद में जैसे भी आपको टाइम होगा लेक्चर देखते रहना। मैं जो है वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करने में जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट, ठीक है, तो वो वाला लेक्चर आप वहां से देख सकते हो। उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपका डाउट का निवारण करने का भैया मतलब आपकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, या फिर अगर हुआ तो आपको कमेंट में ही उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से चैप्टर नंबर फर्स्ट देख सकते हो, और ये है आज चैप्टर नंबर सेकंड। तो इसमें हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर फर्स्ट को रिकॉल करेंगे कि हमने वहां पे क्या देखा। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा? तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने ये देखा था कि ये जो ट्रेंड था, ठीक है, हिस्टोग्राफी लिखने का जो ट्रेंड था वो कहां से चालू हुआ? तो वो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में आप वेस्ट लो, वेस्ट में यूरोप, ठीक है, वहां से वो ट्रेंड चालू हुआ। याद करो हेरोडोटस, हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री की बुक लिखी है, द हिस्टोरीज, ठीक है, वही से हिस्ट्री ये नाम भी जो है अपने को मिला। ठीक है, तो तब से जो है हिस्ट्री यूरोप से चालू हुई, यानी कि वेस्ट से चालू हुई। वो सारा चैप्टर में अपन ने देख लिया, वैसे ही सारी मिलती जुलती चीजें लेकिन इंडिया के बारे में। ठीक है, जैसे वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए गए, हिस्ट्री के कुछ नोटेबल स्कॉलर अपन ने देखे चैप्टर के एंडिंग में, सेम चीज अपने को इस चैप्टर में भी देखने मिलेगी। इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री देखने मिलेगी लेकिन इसमें इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें जैसे हिस्ट्री का इतिहास देखा, इस चैप्टर में भी हिस्ट्री का इतिहास है लेकिन इसमें इंडिया के हिस्ट्री का इतिहास है, उसमें यूरोप का था। ठीक है, तो प्रथा वहां से चालू हुई थी। अब अपन इंडियन लोग हैं इसलिए अपने को इंडिया का बताएंगे कि भैया हिस्ट्री की प्रथा वहां से चालू हुई, अब इंडिया में कहां से चालू हुआ वो देखो, इंडिया में हिस्ट्री कितनी जूनी है, कहां से चालू हुई, पूर्वज हमारे किस प्रकार से लिखा करते थे, फिर वो कैसे विकसित हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री कहां कैसे चालू हुई और उसमें डेवलपमेंट कैसे 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 होते गई, अपग्रेडेशन कैसे कैसे होते गया। तो ये सब अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं बड़े ही इजीएस्ट वे में। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोशिश करूंगा कि बिना बोर करते हुए आपको एकदम ही इजीएस्ट वे में चैप्टर सीखो। ठीक है, चलो प्रांजल, हेलो सर, मनोज, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मेरे कछुओ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से अपन दो पॉइंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, हिस्ट्री लिखने का जो ट्रेडिशन है इंडिया में कैसे चालू हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे पैराग्राफ है उसमें अपने को वही जैसे मैंने आपको बात बताई वही अपने को बताया गया कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा भैया वेस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्ट के अंदर कैसे ट्रेडिशन चालू हुआ था, लास्ट लेसन में हमने देखा, ये लेसन में अपन इंडिया का हिस्ट्री लिखने का जो ट्रेडिशन है वो पढ़ने वाले, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। ठीक है, अब अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो अपने हाथ में ले लेना है। मैंने यहाँ पे अरेंज फॉर्मेट के अंदर मतलब जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहां से लेकर एंडिंग तक के एक ही पेज के ऊपर मतलब एक ही स्लाइड के अंदर लगा दिया है ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। आपकी टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को क्या बताया है, यहाँ पे अपने को बताया कि हिस्ट्री इन एंशाइंट पीरियड, यानी कि अपने पुराने जमाने की, प्राचीन जमाने की हिस्ट्री, उसके बारे में कुछ बातें अपने को यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब आपको देखो फिफ्थ स्टैंडर्ड से हिस्ट्री में ये बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया की जो सबसे जूनी संस्कृति है वो कौन सी है, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति को अपन सबसे जूनी मान के चलते हैं और उसके अंदर से जो इंस्क्रिप्शन मिले थे, जो पिलर्स मिले थे, जो चीजें मिली थी, जितने भी अवशेष मिले थे, उस पर जो भाषा लिखी गई है वो पढ़ने में अपन आज भी मतलब सक्सेस नहीं मिली अपने को कि उस पर एक्चुअल में क्या लिखा था, वो पढ़ने में अपने को आज भी सक्सेस नहीं मिली। सिर्फ अपन ने अनुमान ऐसा लगाया, अपन ने यानी कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां पे थे, ठीक है, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि ये इतने इतने सालों, इतने इतने हजारों साल पुरानी है और ये सारी चीजें जो है ये भारत की दिख रही है, तो अपन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का इतिहास इतने हजारों साल पुराना है। ठीक है, तो ऐसा अपने को यहाँ पे
बताया कि सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन है अपने पास में वो हड़प्पा संस्कृति का है। उन्नति, हाय सर, हाय उन्नति। और प्रांजल ने कुछ तो भी मैसेज जो है वो डिलीट कर दिया है, ठीक है, लेट इट भी, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको वापस से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि सबसे अर्लीस्ट जो डॉक्यूमेंट है अपने पास में, ठीक है, सबसे जूना और प्राचीन जो डॉक्यूमेंट है अपने पास में वो माना जाता है 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा का। और तब किसका राज्य चल रहा था भैया भारत में, ठीक है, तब किसका राज्य था? तो तब राजा अशोका मौर्य का राज्य था। किसका? राजा अशोका मौर्य का। इनके जमाने का लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन, लिखा हुआ मतलब तब लिखने की, मतलब जो पत्थर वगैरह, चट्टान वगैरह, पिल्लर्स, गुफा के उस जो थे ना उसमें लिखते थे, कोर कोर के, कोरिव काम, आपको बताया ना मराठी, तो अपन कोरिव काम मन तो वो वाली जो प्रथा थी वो राजा अशोका मौर्य इनके जमाने से चालू हो गई थी। अब राजा अशोका मौर्य का मतलब उस टाइम पे ना कैमरे थे भैया, जैसे आज होते हैं कैमरा, मोबाइल, आईफोन सब रहते, तो उस जमाने में नहीं था। तो उनका काल्पनिक एक फोटो है, उनके काल्पनिक तस्वीर है कि वो ऐसे दिखा करते थे, ये रही आपके सामने, ये रहे राजा अशोका मौर्य, ये उनके काल्पनिक तस्वीर है। कैसी है? काल्पनिक, ये उनका रियल नहीं है, ये अनुमान लगाया गया कि हाँ इस प्रकार से दिखते होंगे, पगड़ी वगड़ी पहनते होंगे, ऐसी मूछें होगी, ऐसी तलवार, ऐसी बॉडी, ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया है, ये है राजा अशोका मौर्य। इनके राज्य का मतलब इनका जब राज्य था तब भैया वो कोरिव जो लेख है वो लिखने की शुरुआत जो है वो हो गई थी ऐसा माना जाता है। कोरिव लेख यानी कि ये, ठीक है, जैसे ये पिल्लर्स जो है, ठीक है, ये पिल्लर्स पे क्या है, ये पिल्लर्स पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ने में अपने को सक्सेस नहीं मिली अभी तक के, कि उस जमाने का आज तक कोई मतलब उस जमाने का कोई भी व्यक्ति अभी जिंदा नहीं है, ठीक है, और तब स्कूल कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, तो वो जो कौन सी भाषा थी, क्या थी, वो उन्हीं के साथ ही एक रास बन के रह गई। अपन ने बस इसके अनुमान लगाए कि हाँ इस प्रकार का लोगो है, इसका ऐसा मतलब हो सकता है, 100% अपन श्योर नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये तो थे भैया 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा के, ये जो राजा अशोका मौर्य थे कब के थे, तो ये 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा के थे, ठीक है, उनके जमाने से ये जो कोरिव लेख है ये लिखने की जो प्रथा थी ये चालू हो गई थी। अच्छा, अब देखो आपको पता है, ये देखो कॉइन के पीछे लोगो आते हैं, कॉइन के पीछे आप अभी देखो तो गांधी जी या फिर उसके ऊपर वो धान्य के जो दो ये रहते हैं वो आपको अपने को देखने मिलते हैं, जैसे 1 रुपीज है, इसको आप पलटा के देखो तो गेहूं, ज्वार, जिसको जो बोलते हैं, ठीक है, धान्य, इस प्रकार से। मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, अलग अलग प्रकार के आपको लोगो देखने मिलेंगे अलग अलग प्रकार के कॉइन्स पे, ये कॉइन्स पे ये लोगो छापने की, ये इंस्क्रिप्शन छापने की जो प्रथा है ये कब से चालू हुई, दादा शिंदे सर बताओ ना सर, आज टेस्ट देने वाले हो क्या दादा, यानी कि आप प्राची हो? प्राची टेस्ट मैंने बताया था कि टेस्ट में जैसे ही 4 चैप्टर हो जाएंगे ना अपने, उसके बाद में मैं टेस्ट एंड नोट्स आपको प्रोवाइड करा के दूंगा, ठीक है। अभी अपना दूसरा चैप्टर चालू, आज दूसरा चैप्टर हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो हम लेंगे 3rd नंबर का चैप्टर, फिर हम कोई एक सिविक्स का या फिर ज्योग्राफी का, ऐसे 4 चैप्टर जब मैं ले लूंगा फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आपके एग्जाम को भी टाइम है, अभी आपकी स्कूल खुली है, एग्जाम को टाइम है, यूनिट टेस्ट को टाइम है, तो बहुत अच्छी से अभी तो पूरे साल भरते हैं, एक एक चैप्टर तीन तीन चार चार बार में, बीच बीच में अभी थोड़े दिनों बाद में आपके लिए एनिमेशन के द्वारा भी आपको सिखाऊंगा, तो तब बहुत अच्छी से हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, टेस्ट भी आपको दूंगा, लेकिन जब 4 चैप्टर सिखा के हो जाएंगे उसके बाद में टेस्ट, ठीक है, और उसी के बाद में नोट्स भी आपको दूंगा। ओके ओके बेटा प्राची, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कि जो 1st सेंचुरी आई थी, 1st सेंचुरी कॉमन इरा, देखो ये तो बिफोर कॉमन इरा के थे, अब कॉमन इरा, ठीक है, कॉमन इरा की जब 1st सेंचुरी थी तब कॉइन्स के ऊपर, कुछ कॉपर प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, कुछ मेटल इमेजेस के ऊपर, कुछ पुतले, कुछ स्कल्पचर, कुछ मार्बल की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, इनके ऊपर लिखे जाने की शुरुआत हो गई थी। क्या हो गई थी? इनके ऊपर लिखे जाने की शुरुआत हो गई थी। लिखे जाने के यानी कोर कोर के डिजाइन बनाना, कोर कोर के लोगो बनाना, ठीक है, ऐसे इसकी शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी ये शुरुआत? 1st सेंचुरी में। अब देखो कुछ मेन पॉइंट्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी ही बिठा लो, कि देखो राजा अशोका मौर्य इनके टाइम पे कोरिव लेख की शुरुआत हुई थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करते थे, उस जमाने के लोग क्या करते थे, पिल्लर्स पे या फिर बड़ी बड़ी चट्टानों पे ऐसे कोरिव लेख लिखा करते थे, ठीक है। उसके बाद में जो कॉइन्स, स्कल्पचर, मेटल इमेजेस, कुछ कॉपर प्लेट्स के ऊपर, जैसे आपने वो मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी होगी तो उसमें ऋतिक रोशन के पास में वो कॉपर प्लेट थी ना जिसमें वो यूनिकॉर्न का फोटो रहता है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो वाली जो प्रथा है वो कब से चालू हुई? वो वाली प्रथा चालू हुई 1st सेंचुरी से। कब से चालू हुई? 1st सेंचुरी से, ठीक है। ओके, अब ये 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा देख लिया, उसके बाद का समय हमने 1st सेंचुरी देख लिया, मेटल इमेजेस, कॉपर इमेजेस ये सारी देख लिया अपन ने,
उसके बाद में बायोग्राफी लिखने की जो प्रथा है, ठीक है। बायोग्राफी लिखने की प्रथा मतलब कि जैसे एक राजा था, राजा के ऊपर उनका पूरा जो जीवन चरित्र था उसको मैंने बायोग्राफी नाम दिया है, मतलब उसको बायोग्राफी ही बोलते हैं, जीवन चरित्र बोलते थे उसको पहले की भाषा में, ठीक है। जो एंशियंट पीरियड थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो उनको जीवन चरित्र बोलते थे कि भैया राजा ने जन्म लिया, उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, उनको कितने बच्चे हैं, कौन कौन से राज्य उन्होंने जीते, कौन कौन से राज्य उनसे डरते हैं, कितनी उनकी पावर है, कितने उनके पास में सेना है, क्या रुपया है उनके पास में, सारा सब कुछ उसको जीवन चरित्र बोलते हैं, और आज की भाषा में उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। ये बायोग्राफी लिखने की शुरुआत कब से हुई? तो ये शुरुआत हुई 7th सेंचुरी से। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही आपको सोहागरा कॉपर प्लेट का एक फोटो दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया ना मेटल इमेजेस कॉपर प्लेट्स। तो उसी जमाने की एक कॉपर प्लेट आज भी अपने पास में मौजूद है, ठीक है, जिसको अपन सोहागरा कॉपर प्लेट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ मिली थी? डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिली थी? डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ लोगो वगैरह बनाए गए हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन बनाए गए हैं, जिसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ ट्री है, रेलिंग है, और ये पहाड़ है, और पहाड़ के नीचे दरवाजा बनाया गया है, ठीक है। और ये उस जमाने में ये कुछ लोग है, ठीक है, कोई भी वीआईपी लोग होंगे तो उनको ऐसा चरित्र, लेडीज के लिए अलग लोगो यूज किया गया होगा, बच्चों के लिए अलग लोगो यूज करा गया होगा, ठीक है। प्राची सर आप अब अन अकेडमी पे नहीं सिखाते क्या? मुझे लगा फोर्थ लेसन लेने के बाद देने वाले हो। नहीं बेटा, मैं अन अकेडमी पे अब नहीं सिखाता, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है अन अकेडमी के साथ में वो ओवर हो गया है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक क्लास 8 9 10 CBSE स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम तीनों के लिए मैं यहाँ पे ऑगस्टस एजुकेशन पे रोज लाइव आके सिखाऊंगा आपके फाइनल एग्जाम तक के। इसी के साथ मैं आपको टेस्ट नोट्स और आईएमपी क्वेश्चन जो है वो भी प्रोवाइड करा के दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके हमारे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में आ जाए, जो कि ऑगस्टस एजुकेशन का पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, तो यही से आपको सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ एक बेस्ट बात ऐसी कि यहाँ पे जो प्रियंका मिस है, ऑगस्टस एजुकेशन के फाउंडर प्रियंका मिस, वो भी बहुत जल्दी साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है, ठीक है, इसके लेक्चर यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे 10th पास आउट होके 11th में गए हैं, ठीक है, 10th पास आउट मतलब जाएंगे अभी, ठीक है, 10th पास आउट होके 11th में जाएंगे, तो उनके लिए भी भैया मैं इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके लेक्चर यहाँ पे लूंगा। सो डोंट वरी, हम पूरा साल भर आपके साथ में है, कोई भी दिक्कत आपको आए तो यहाँ पे हम आपके लिए 24/7 365 days अवेलेबल है, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई भी रुपया आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक देखो, 1st सेंचुरी में कॉपर प्लेट पे एंड मेटल प्लेट्स पे लिखने की शुरुआत हुई थी, उसी जमाने की ये एक प्लेट है, ठीक है, उसी जमाने की प्लेट है जिसका नाम है सोहागरा कॉपर प्लेट। क्या लिखा गया अभी इस पे वो हम देखेंगे। तो इस पे ऐसा लिखा गया है कि आने वाला जो समय है, ठीक है, आने वाला समय यानी कि कुछ सालों बाद में या फिर कुछ महीनों बाद में इन्होंने संदेश लिखा है, ठीक है। वो संदेश ऐसा है कि तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। उस तूफान में सारा जो अन्न धान्य है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, खाने पीने के लिए चीजें जो है वो नहीं बचेगी। तो आप अभी से ही, क्या आप अभी से ही जो अन्न धान्य रहता है यानी कि गेहूं चावल दाल शेंगदाने जो भी रहता है उसको आप स्टोर करो। क्या करो? उसको आप स्टोर करो गोडाउन के अंदर या फिर स्टोर रूम के अंदर। आप क्या करो? उसको स्टोर करके रखो। ये उस जमाने के उन्होंने लोगो बनाए जो कि गोडाउन दर्शाते या फिर स्टोर रूम दर्शाते या फिर बड़े बड़े अन्न धान्य के जो ये रहते हैं ना, ठीक है, जहां पे भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऐसा अनाज स्टोर कर रखना है, ऐसा ही 100 ग्राम कॉपर प्लेट से मैसेज दिया गया है, बहुत पुरानी है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया यहाँ तक का सारा पॉइंट आपको? यहाँ तक के सारे जो डाउट है आपके वो क्लियर हुए होंगे, अगर नहीं हुए तो कमेंट करो, मैं वापस से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने देख लिया, ये पॉइंट हमने देख लिया, इसको रिकॉल कर देता हूँ मैं वापस से कि सबसे जूनी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति ये मानी जाती है। लिखने वाला जो प्रथा था, लिखने वाली जो प्रथा थी भारत में, इंस्क्रिप्शन वाली जो दीवालों पे कोरी लेख जो हम लिखा करते थे, वो राजा अशोका मौर्य, ठीक है, इनके जमाने से चालू हुई। राजा अशोका मौर्य कब के थे? तो 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा, ठीक है, 3री शताब्दी ईसावी सना पूर्वी, ठीक है। तो ये 3री शताब्दी ईसावी सना पूर्वी मतलब 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा के थे। इनके बाद में जब कॉइन्स मेटल प्लेट्स कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन इस पे लिखने की शुरुआत हुई वो कब हुई? 1st सेंचुरी कॉमन ईरा, ठीक है। आप पेपर में लिखते वक्त टेस्ट में लिखते वक्त हमेशा ये गलती करते हो, बिफोर कॉमन ईरा एंड कॉमन ईरा यहाँ पे आप हमेशा
गलती कर देते हो, ठीक है, तो ये नहीं करनी। फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा से ये सारी शुरुआत, ठीक है। अब अपन जंप लेंगे सेवंथ सेंचुरी में, कहाँ पे लेंगे, सेवंथ सेंचुरी में आगे बढ़ते हैं। सेवंथ सेंचुरी में बायोग्राफी लिखने की शुरुआत हुई, ठीक है। सबसे पहली भारत में जो बायोग्राफी लिखी गई वो है राजा हर्षचरित्र, हाँ बायोग्राफी का नाम है राजा हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र, राजा लगा दिया मैंने इसके आगे, हर्षचरित्र, उस बायोग्राफी का क्या नाम है, हर्षचरित्र। किसने लिखी है बायोग्राफी, तो ये बायोग्राफी लिखी इसके राइटर थे बाणभट्ट, क्या नाम था, बाणभट्ट, जैसे रहता है ना बायोग्राफी लिखने वाले का नाम, तो ऐसे ये बायोग्राफी जिसने भी लिखी, ये बायोग्राफी जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था बाणभट्ट। ये बायोग्राफी जिनके ऊपर लिखी गई थी उनका नाम था राजा हर्ष, क्या नाम था, राजा हर्ष, ठीक है। इनके बारे में मैंने जितना सुना है, मैंने जितनी कहानियां या फिर मैंने जितना भी पढ़ा है इनके बारे में, तो उसमें मैंने आज तक यही सुना है कि ये सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे कभी, सत्य के मार्ग पे चलते थे, और झूठ ना इनको पसंद था ना किसी को बोलने देते थे, कभी इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। तो इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई कब, सेवन सेंचुरी के अंदर। बायोग्राफी का नाम हर्षचरित्र, किसने लिखी, बाणभट्ट ने, बहुत ही ईजी, अपने को लर्न भी हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ अगर अपन देखे, ये तो बायोग्राफी लिखने का ट्रेंड है, इसी के साथ अगर लिखी हुई चीजें देखे, तो लिखी हुई चीजों में अपने पास में सबसे प्राचीन चीजें जो है, सबसे ग्रंथ, हाँ मैं चीजें बोल रहा हूँ सॉरी, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है अपने पास में वो है महाभारत, रामायण, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, यानी जो गौतम भगवान, गौतम बुद्धा जो होके गए उनके जमाने में जो ग्रंथ थे उन्होंने लिखे हुए, उनके शिष्य ने लिखे हुए, उसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो बोला करते हैं। उसके बाद में जो जैन लोग होते थे, जैन के जो ऋषि मुनि होके गए हैं उन्होंने और उनके शिष्यों ने उस जमाने में जो ग्रंथ लिखे उनको जैन टेक्स्ट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बाद में अंग्रेजों ने ये पढ़ के काफी खजाने का जो खोज है वो की और भारत से काफी सारा खजाना कलेक्ट किया, ये सारा सब कुछ पढ़ के, ठीक है। तो ये अपने पास में काफी जूना प्राचीन ग्रंथ जो है, अपनी प्राचीन धरोहर जो है वो मानी जाती है, ठीक है। दो बातें यहाँ पे क्लियर होगी, थर्ड सेंचुरी बिफोर कॉमन ईरा और सेवन सेंचुरी में बायोग्राफी लिखने की कॉपर प्लेट भी अपना हो गया क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखेंगे हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में अपने को बताया गया था कि मध्ययुगीन समय, अभी वापस से आ गया है मध्ययुगीन समय, अपन ने तो प्राचीन समय देख लिया ना, सेवन सेंचुरी के अपन ने देख, सेवन सेंचुरी तक के अपन ने देख लिया, अभी अपन मिडल के समय में आ जाएंगे, ठीक है, मिडल पीरियड तक के आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को देखने मिलेगी ट्वेल्थ सेंचुरी, क्या देखने मिलेगी, ट्वेल्थ सेंचुरी, ठीक है। ये रही यहाँ पे ट्वेल्थ सेंचुरी। अब जैसे कि बाणभट्ट राइटर थे, उन्होंने राजा हर्ष जो थे इनकी बायोग्राफी लिखी, ऐसे ही ये ट्वेल्थ सेंचुरी के अंदर कल्हाना नाम के राइटर थे, कौन थे, कल्हाना, देखो वो बाणभट्ट राइटर सेवन सेंचुरी, कल्हाना राइटर ट्वेल्थ सेंचुरी। बाणभट्ट ने लिखा राजा हर्ष के बारे में, कल्हाना ने लिखा कश्मीर के बारे में, क्या लिखा, कश्मीर के बारे में। अब आप आंखें बंद करके एक मिनट के लिए इमेजिन कर सकते हो कि 12वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं शताब्दी आज से भैया 700-800 साल पहले, ठीक है, हाँ 700-800 साल पहले 12वीं शताब्दी में कश्मीर किस प्रकार का हुआ, मतलब किस प्रकार से होता होगा उस टाइम पे, वो सारी चीजें जो है, जैसे अभी वहां पे सारी बर्फ बर्फ रहती है, एप्पल्स वगैरह, ठीक है, सारी एकदम प्रीशियस चीजें अभी है वहां पे, ठीक है, अभी इतने मतलब बंटवारा हो गया अपना, इतने दंगे फसाद हो गए वहां पे, अभी ऐसी सिचुएशन है, 800 साल पहले कैसा रहा होगा, ठीक है। तो ये 800 साल पहले जो भी है, 12th सेंचुरी में उसके ऊपर जो है कश्मीर के ऊपर बायोग्राफी लिखी गई, जो किसने लिखी, जो लिखी कल्हाना, ठीक है। ये देखो उसकी जो बुक है, कल्हाना ने जो लिखी थी राज तरंगिनी, उन्होंने उनके बुक का नाम रखा राज तरंगिनी, ठीक है, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के ऊपर कल्हानास राज तरंगिनी। तो कल्हाना राइटर का नाम था, राज तरंगिनी उनके बुक का नाम था, और उसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा था। अब यहाँ पे सारा डिटेल के अंदर बताया गया है कि जो कल्हाना थे उन्होंने जब कश्मीर के बारे में लिखा तो ऐसा ही नहीं कि किसी से सुना और लिख दिया, या फिर उनको जितना भी याद आया या फिर उन्होंने जो दादा दादी से सुना था वो लिख दिया, नहीं, उन्होंने सारी चीजों पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया। क्या किया, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यानी हर चीज को बारीकी से जांचा परखा, सालों लग गए, क्या लग गए, सालों लग गए, ठीक है, हर चीज को उन्होंने एकदम बारीकी से, जैसे अपन बोलते हैं ना, अपन किसी को जानते हैं तो अपने को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो कश्मीर के बारे में हर बारीक बारीक चीज, वहां के इंस्क्रिप्शन, जैसे कि वहां पे जो पहाड़ वगैरह, चट्टान, गुफा के उसके ऊपर जो लिखे हुए इंस्क्रिप्शन है, उसके बारे में जानकारी ली, क्या किसने लिखा है, क्या लिखा है, किस चीज से लिखा है, कितने हजार साल पहले लिखा है, इसकी देखरेख किसने की, इसको कॉस्टिंग कितना लगा, सारी इंफॉर्मेशन।
वहाँ के कॉइन, वहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में, वहाँ के लोकल ट्रेडिशन के बारे में, वहाँ के त्योहारों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की भाषाओं के बारे में, सारी चीजें कल्हाना ने राज तरंगिणी ग्रंथ में लिखी, जो कि 12th सेंचुरी का नेक्स्ट लेवल ग्रंथ था। क्या था? नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल समझता है ना, जैसे अपन बोलते हैं भैया वो अलग ही लेवल का ग्रंथ है, उसके अंदर इतने डिटेल के अंदर लिखा गया है, इतने डिटेल के अंदर लिखा गया है कि मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा। वो वाला नेक्स्ट लेवल का ग्रंथ था, उस जमाने में ये कल्हाना ने लिखा था। किसके ऊपर लिखा? कश्मीर के ऊपर। कब लिखा? 12th सेंचुरी में। क्या नाम है? राज तरंगिणी। ठीक है, तो है यहाँ पे कि सो गए सब दोपहर के टाइम में। आपने मेरे को बोल तो दिया सर दोपहर को लेक्चर लिया करो 2 बजे, फिर मैं 2 बजे आता हूँ तो आप सो जाते हो। मैं देखता हूँ लेक्चर को बाद में भी जाते हैं शाम तक के 150-200, लेकिन जिस टाइम पे मैं लेक्चर लेता हूँ यहाँ पे जो बच्चे हैं 10 या फिर 12 ही अवेलेबल होते हैं, मतलब दोपहर को आप सोते हो या फिर नैप लेते हो। ठीक है, तो ये तो भैया हो गई कन्फर्म बात। चल ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, अभी आपकी छुट्टियां चल रही तो आपको आराम करना है, बाद में तो भैया फिर हम रात रात भर आपको सोने भी नहीं देंगे, आप रात भर आपके लाइव लेक्चर लेंगे। जैसे कि अनअकैडमी पे आपने देखा होगा आपके एग्जाम के पहले के जो 2 हफ्ते थे, हमने पूरे रात रात भर के जो लेक्चर है ठीक है कंटिन्यू किए हैं, लाइव किए हैं। तो इस तरह से आगे आपको मेहनत करनी है। अभी आप तो भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को देख लेना, फिर कल देख लेना, अभी छुट्टियां है तो इंजॉय करो। फिर अपन देखेंगे 12th सेंचुरी हो गया। 12th सेंचुरी के बाद में, ये कल्हाना के बाद में, एक बहुत ही फेमस राइटर आए। ठीक है, एक बहुत ही फेमस राइटर है जिनका नाम था जियाउद्दीन बरानी। क्या था? जियाउद्दीन बरानी। और यह बायोग्राफी लिखने में फेमस थे। क्या थे? बायोग्राफी लिखने में फेमस। जैसे होता है ना, अभी अपन बॉलीवुड की बात करें ठीक है, तो एक आधा डायरेक्टर जो रहता है वो फेमस रहता है, उसका हमने नाम ही सुन लिया, अरे भैया इस डायरेक्टर की पिक्चर है, तो पहले ही दिन वो सुपर डुपर हिट हो जाती है और मतलब हाउसफुल हो जाता है उसका, अरे वो डायरेक्टर की पिक्चर है भैया, वो तो बहुत भारी भारी सीन देता है। जैसे रोहित शेट्टी का नाम लिया तो अपने दिमाग में क्या आएगा, अरे उड़ती हुई कार आ रही है यहाँ से, ठीक है उड़ती हुई गाड़ी यहाँ से आ रही है, अरे उसने 7 ऐसे ऐसे गुलांटी खाई है। और अजय देवगन अपने दिमाग में आ जाएगा, रोहित शेट्टी अजय देवगन ही रहो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने दिमाग में आ जाता है ना, तो उस प्रकार से मतलब जैसे अभी फेमस है ना वो डायरेक्टर, उस जमाने में जियाउद्दीन बरानी बायोग्राफी लिखने में सबसे फेमस थे। ठीक है, उस जमाने में किसी ने भी नाम सुना जियाउद्दीन तो हर राजा महाराजाओं के माइंड में ठोट आता था बायोग्राफी, और एकदम रिच वाली बायोग्राफी जिसके अंदर सारी बारीकी से अच्छी अच्छी चीजें इमेज बना बना के लिखी गई हो। तो जियाउद्दीन उस टाइप के राइटर थे। ठीक है, तो पहले अपन ने देखा कल्हाना के बारे में, कल्हाना ने क्या लिखा? कश्मीर के बारे में लिखा था, राज तरंगिणी ग्रंथ 12th सेंचुरी में। उसके बाद में आए जियाउद्दीन बरानी। जियाउद्दीन बरानी कौन है? तो ये भी भैया बायोग्राफी लिखने वाले। इन्होंने क्या क्या बायोग्राफी लिखी थी? तो इन्होंने तारीख ई फिरोजी शाही, ठीक है ये बुक लिखी थी उन्होंने। क्या, कौन सी बुक? तारीख ई फिरोजी शाही। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बन जाएगा, इतना डीप है तारीख ई फिरोजी शाही अगर इसको लिखने गए तो। ठीक है, अच्छा अब उस टाइम पे मुगलों का राज चल रहा था। क्या चल रहा था? मुगलों का राज चल रहा था, और मुगलों का राज चल रहा था उनके जो सबसे पहले राजा थे, जिन्होंने जो मुगल एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं, उनका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। तो बाबर, ये देखो यहाँ पे लिखा भी बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, क्या गलत बोला भाई हमने? वही तो बोला, तो बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इनको पता चला जियाउद्दीन बरानी भैया बायोग्राफी लिखते हैं। ठीक है, और आपने अगर तानाजी पिक्चर देखा होगा, मैं पिक्चरों के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि सीधा वो विजन आपके आंखों के सामने आ जाता है। उसमें देखो वो एक चेस वाला जो है, सैफ अली खान चेस खेलता है, तो उसमें रियल का हाथी रियल का घोड़ा ऐसा होता है, और वहां पे जो मुगल बादशाह रहता है ना उसके बाजू में एक पर्शियन बादशाह बैठा होता है। ठीक है, मुगल बादशाह, उसके बाद में पर्शियन बादशाह। पर्शियन बादशाह का नाम उसमें बताया गया शाह प्याली। क्या नाम है? शाह प्याली। ठीक है, ऐसा चाय की प्याली नहीं, उसका बादशाह का नाम था शाह प्याली। ठीक है, तो पर्शियन नाम है भैया ऐसे ही होते हैं, तो राजा का नाम था शाह प्याली। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि मुगल एम्पायर पे मतलब मुगल लोगों पे पर्शियन लोगों की एक मतलब पर्शियन लोगों को देख के वो इंस्पायर होते थे, पर्शियन लोगों को देख के वो मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन लेते थे, उनका मोटिवेशन था, पर्शियन लोगों से देख के वो मोटिवेशन लेते थे, उनकी चीजें कॉपी करा करते थे वो मुगल लोग। ठीक है, जो कि मतलब इसी के अंदर लिखा है, मैं कोई मेरे मन से नहीं बोल रहा, और जितने मैंने बुक्स वगैरह ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं जो भी है उसमें यही जो चीज है वो सामने आती है कि मुगल लोग जो थे वो पर्शियन लोगों से चीजें कॉपी करते थे, क्योंकि उनके ऊपर इम्पैक्ट था पर्शियन लोगों का थोड़ा सा। ठीक है, तो उनको अच्छी लगती थी पर्शियन लोग जो भी चीज करते थे, वो ऐसा बोलते थे हाँ यार अपने यहाँ पे भी ये होना चाहिए, उनके खेमे में ऐसी डिजाइन है कि अपने खेमे में भी डिजाइन डाल दो, वो ऐसी कैप पहनते कि अपन भी कैप पहनेंगे, वो ऐसा लंबा कुर्ता पहनते कि अपन भी लंबा कुर्ता पहनेंगे, उनके कुर्ते पे जरदोसी का काम है अपने जरदोसी का काम, उनपे लेस है क्या अपने लेस प्लस मोती लगा दो चलो। ठीक है,
इस प्रकार से होता था। तो ना पर्शियन लोग बायोग्राफी लिखते थे, पर्शियन राजा महाराज अपने बारे में बायोग्राफी लिखते थे। बाबर बादशाह थे, मैं भी बायोग्राफी लिखाऊंगा। कौन था फेमस बायोग्राफर? तो जियाउद्दीन बरानी। बुला उसको, बुला बायोग्राफी लिखो भाई हमारी, ठीक है। तो बाबर बादशाह ने इनसे अपनी खुद की क्या कराई, बायोग्राफी लिखाई। बायोग्राफी लिखाई तो लिखाई, साथ में एक नवा ट्रेंड चालू किया। क्या किया? नवा ट्रेंड। नवा ट्रेंड क्या चालू किया? अब आपको पता है मुगल लोगों के दरबार हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? दरबार हुआ करते थे। ये रहे भैया हमारे जियाउद्दीन बरानी। मतलब दरबार तो मतलब हर राजा का दरबार होता है, वो उनको मुगल कोर्ट बोला करते थे। क्या बोला करते थे? मुगल कोर्ट, ठीक है। ये उसको दरबार बोलते हैं, हर राजा का दरबार होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुगल लोगों के जो दरबार थे, ये जो समझो इसको कंसिडर कर लो कि ये बाबर बादशाह है, ये काल्पनिक फोटो, लेकिन इसको कंसिडर कर लो कि बाबर बादशाह है। तो इसने समझो जियाउद्दीन बरानी को बुलाया होगा। बाबर बादशाह ने बोला कि मेरी बायोग्राफी तो तेरे को लिखनी है, बुक के अंदर तो लिखनी लिखनी है, मेरे को एक नवा ट्रेंड चालू करना है। तेरे को यहाँ पे जो दीवारें दिख रही है ना मेरे दरबार के अंदर, ठीक है, यानी कि आपको, हाँ आप, उसने जियाउद्दीन बरानी को बोला होगा कि आपको जो हमारे यहाँ पे दरबार के अंदर जो दीवारें दिख रही है, इसको बड़े बड़े चित्र लगा के क्या करना है, हमारी बायोग्राफी लिखनी है, मतलब बनानी है चित्र के रूप में। जैसे कि भैया दीवार पे फोटो बनाया होगा कि हाँ बाबर बादशाह का जन्म, उनके माता जी, उनके पिताजी, ठीक है। उसके बाद में बाबर बादशाह दोस्तों के साथ में खेल रहे, इस वाले इसके ऊपर बाबर बादशाह खेल रहे भैया दोस्तों के साथ में। इसमें बाबर बादशाह ने पहली बार तलवार चलाई, इसमें बाबर बादशाह ने घोड़ा चलाया, इसमें उन्होंने युद्ध करा, इसमें इधर युद्ध करा, इसमें शादी करी, इसमें भैया जो भी बच्चे बच्चे होंगे उनके, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बायोग्राफी अपने दरबार के अंदर छपाई, ये वाला ट्रेंड छपाया उन्होंने, किसने? बाबर बादशाह, ठीक है। तो ये थे जियाउद्दीन बरानी, उस टाइम के सबसे फेमस बायोग्राफर, उस टाइम, हाँ बायोग्राफर, बायोग्राफी राइटर, ठीक है, उस जमाने के सबसे फेमस, ठीक है। फिर इन्होंने बहुत सारी बायोग्राफी लिखी, बाबर बादशाह की भी लिखी, और बाबर बादशाह ने एक ट्रेंड चालू किया जो कि मैंने बताया, दरबार में फोटो निकालने का, ठीक है। दरबार थे, मुगल कोर्ट्स हुआ करते थे, दीवारों पे क्या फोटो अपने बायोग्राफी के, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, वापस आपको समझा दूंगा, बट आई होप कि आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजिएस्ट वे में आपको सिखाया है। ओके, जियाउद्दीन बरानी का भी भैया बहुत दुर्लभ फोटो ये देखने नहीं मिलता है, लेकिन जैसे अपन ने सबसे पहले 7th सेंचुरी में देखा, तो बायोग्राफी को नाम दिया गया है हर्षचरित्र, ठीक है। उसके बाद में जियाउद्दीन बरानी का देख लिया, कलहना का देख लिया, ठीक है। अब मराठाओं का राज्य आया, क्या आया? मराठाओं का राज्य आया, ठीक है। तो मराठाओं के राज्य में वो भी बायोग्राफी लिखते थे, तो उनके बायोग्राफी को एक पर्टिकुलर वर्ड था जिसका नाम था बखार। बखार मतलब भी बायोग्राफी ही होता है, लेकिन बखार मतलब मराठाओं की बायोग्राफी, ठीक है। जैसे अपन ने देखा होगा मुगलों के जो बायोग्राफी थे उनके नाम कैसे, तारिक ए फिरोजी शाही, ठीक है। तो हर किसी के इसका इम्पैक्ट गिरता है, वो हर किसी, मतलब अभी कैसे बताऊं, कास्ट वाइज नहीं जाना चाहता मैं, ठीक है। तो बखार, बखार यानी क्या है, ये मराठाओं के ऊपर जो बायोग्राफी लिखा लिखी जाती थी, या फिर मराठा वॉरियर के ऊपर, मराठा किंग के ऊपर, मराठा लीडर के ऊपर, तो उसको बखार बोलते थे। मीनिंग इसका बायोग्राफी ही है, ठीक है, इसको बखार बोलते थे, बस ये मराठाओं के ऊपर होती थी। ओके, अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि उस टाइम पे कई सारी जो बखार है वो लिखी गई, यानी कई सारी मराठाओं के ऊपर बायोग्राफी लिखी गई, ठीक है। भाऊ साहेबांसी बखार, सभासद बखार, पानीपत, पानीपताची बखार, पानीपत बखार, हाँ पानीपताची बखार लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सारी चीजें जो है वो बताई गई है। भाऊ साहेबांची बखार ये रही, होल्डकरांची कैफियत, ठीक है। तो ये सब उन बखार के टाइटल है, उन बखारों के क्या है, नाम है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक के आपको सारा पॉइंट क्लियर हुआ, अपन वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं। सबसे जूनी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति। इंस्क्रिप्शन लिखने की शुरुआत राजा अशोक का मौर्य के राज से, और कॉइन्स कॉपर प्लेट्स मेटल प्लेट्स पर लिखने की शुरुआत पहली शताब्दी कॉमन ईरा से, ठीक है, 1st सेंचुरी कॉमन ईरा से, ठीक है। बायोग्राफी लिखने की शुरुआत 7th सेंचुरी से, राजा हर्ष चरित्र की बायोग्राफी लिखी गई, ठीक है। किसने लिखी? तो बाणभट्ट, ठीक है, उन्होंने लिखी थी। उसके बाद में 12th सेंचुरी कश्मीर की बायोग्राफी, क्या नाम था? रास तरंगिनी। किसने लिखी? कल्हाना ने। उसके बाद में कौन आया फेमस बायोग्राफर? तो जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, उन्होंने किसकी बायोग्राफी लिखी? फिर बाबर बादशाह की बायोग्राफी लिखी। बाबर बादशाह ने क्या ट्रेंड चालू किया? तो भैया अपने दरबार के अंदर अपनी बायोग्राफी जो चित्र के द्वारा उन्होंने ये करी, पेंट पेंट करके अपनी बायोग्राफी बनाई, ठीक है, यहाँ तक के अपने देखा। उसके बाद में मराठाओं की बायोग्राफी, उसको कौन सा नाम दिया गया? उसको बखार का नाम दिया गया है। कौन कौन सी बायोग्राफी के नाम देखे अपन ने? होल्करांची कैफियत,
भाऊ साहेब अच्छी बखार, पानीपत अच्छी बखार, ठीक है। तो इस प्रकार से मराठावारी और मराठा लीडर, मराठा महान पुरुष, महान स्त्री जो थे उनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी जाती थी तो उसको बखार बोलते थे। समझ में आ गया यहाँ तक का, रिकॉल भी कर लिया, कोई डाउट है? बड़े आगे, हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। देखो पिछले चैप्टर में जैसे अपन ने मॉडर्न पीरियड देखा था, ठीक है, हिस्टोग्राफी मॉडर्न पीरियड, वाकई हिस्टोग्राफी के मॉडर्न पीरियड में चार रूल थे, जिसमें से एक रूल ऐसा था कि हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री वो कभी भी भूत और इंसान को मानती ही नहीं है, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोलती कि ये पेड़ भूत ने गिराया है, ठीक है, वो बोलती कि हाँ ये इंसान ने गिराया होगा या फिर जानवर ने गिराया होगा, वो ऐसा नहीं बोलती कि भैया भगवान ने गिराया फिर भूत, इंसान या फिर जानवर, बस मॉडर्न हिस्टोग्राफी ये रूल था उनका। अब यहाँ पे अपन देखेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी इंडिया में जो है वो कब से चालू हुई। अब देखो मॉडर्न हिस्टोग्राफी इंडिया में 20th सेंचुरी से चालू हुई। कब से चालू हुई? 20वीं शताब्दी, ठीक है, 100-150-200 साल पहले, ठीक है, 20वीं शताब्दी में चालू हो गई। अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक्सकावेशन का काम चालू किया। एक्सकावेशन यानी कि खुदाई काम चालू किया। क्या किया? खुदाई का काम चालू किया। खुदाई का काम चालू किया तो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों ने काफी बड़े बड़े जो इंजीनियर थे इनको हायर किया था, काफी जो दिमाग वाले इंजीनियर थे इनको हायर किया था। अब उनमें से एक थे अलेक्जेंडर कुनिंगम। कौन थे? अलेक्जेंडर कुनिंगम। हाँ, ये जो चाचू दिख रहे हैं गोल मटोल से बटाटी टाइप, ये अलेक्जेंडर कुनिंगम है, ठीक है। तो इन्होंने हरप्पा संस्कृति ढूंढ निकालने का, खोज निकालने का जिम्मा जो है वो अपने हाथों में ले लिया। भाई मैं निकाल के दूंगा हरप्पा संस्कृति आपको जमीन के नीचे से। अब ये खोजने तो सोना निकले थे, जमीन के नीचे सोना मिलेगा, लेकिन मिल गया हरप्पा संस्कृति, ठीक है। तो इनको कैसे मालूम कि भारत में इस जमीन के नीचे यहाँ यहाँ पे सोना मिलेगा, ठीक है, गोल्ड, हाँ सोना या फिर प्रीशियस चीजें, ठीक है, जमीन के नीचे से मिलेंगे, इनको कैसे मालूम? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि इस ग्रंथों का इस्तेमाल करेंगे वो, महाभारत, जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, रामायण, ठीक है, जो भी अपने हिंदू लोगों के ग्रंथ थे ये उनको पढ़ते थे। क्या करते थे? ये पढ़ते थे और ये देखते थे कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो किस रास्ते से किस रास्ते पे गए थे, ठीक है, आज से कई सालों पहले। तब भारत में उस रास्ते पे जो राज्य था वो कितने पैसा वाला था, उसका तब क्या नाम था, ठीक है, फिर वो देखते थे उसका अब क्या नाम है, ठीक है, फिर वो देखते थे तब वहां पे कितनी प्रजा थी, अब वहां पे कितनी प्रजा, तब वहां पे कितने मंदिर थे, अभी कितने मंदिर है, इनको सब दिख जाता था, सब ध्यान में आ जाता था। हाँ यही रास्ता था, हाँ यही जंगल था, मतलब खजाना यही है, खोदो रे भैया इस जमीन को। तो ऐसे उन्होंने दिमाग चलाया और हड़प्पा संस्कृति जो है वो ढूंढ निकाली। काम इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन काम के चलते चलते या तो भैया ये खुद चल बस है, नहीं तो फिर इनका ट्रांसफर हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। हड़प्पा संस्कृति जिसको मिली वो ये थे। काम इन्होंने चालू किया था, खुदाई काम इन्होंने चालू किया, लेकिन इनकी उम्र को देख के मेरे को लग रहा है कि या तो ये चल बसे होंगे, न तो फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट के कारण इनकी ट्रांसफर हो गई होगी, तो इनको हड़प्पा संस्कृति मिल नहीं पाई। काम इन्होंने चालू किया था बाकी, हाँ, और फिर इनके मौजूदगी में ये इंजीनियर थे चले गए, इनके बाद में ये इंजीनियर आए, इनकी पोस्टिंग हुई, इनको मिली वो हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कुनिंगम और सन जॉन मार्शल, इनका काफी मॉडर्न हिस्टोग्राफी, जब इंडिया की मॉडर्न हिस्टोग्राफी का नाम लिया जाएगा तब इनका नाम भी उसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्होंने हड़प्पा संस्कृति को ढूंढ के निकाला था, इनके पास था वो काम। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ सन जॉन मार्शल। समझ में आया? सन जॉन मार्शल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपने को यहाँ पे ऐसे बताया है कि हिस्टोग्राफी, सॉरी, आगे अपने को ऐसे बताया है कि हिस्ट्री जो है, ठीक है, भारत की हिस्ट्री, अब उस जमाने में ना भारत में काफी, मतलब स्कूल बनने की शुरुआत हो गई थी, अंग्रेज लोगों ने स्कूल एंड कॉलेजेस बनाना जो थे वो शुरू कर दिए थे, ठीक है, बट लोग फिर भी कम पढ़े लिखे थे थोड़े, ठीक है, क्योंकि डरते थे बच्चों को स्कूल में भेजने से, लड़कियों को स्कूल में भेजने में, परिवर्तन आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उस टाइम पे कुछ अंग्रेज लोग थे जिनको ऐसा लगा कि हमको भारत के बारे में लिखना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स, ऐसे कुछ ब्रिटिश पोएट्स या फिर ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर भी जो है उन्होंने भी किताब लिखी है भारत के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने चाहा कि हम भारत के बारे में लिखेंगे और उन्होंने भारत के बारे में लिखा, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले और उसमें से सबसे एक जो है वो है जेम्स मिल। ये जो बारीक सुरिक जो है सुकड़े सुकड़े से, इनका नाम है जेम्स मिल, ठीक है। इन्होंने 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऐसे किताब लिखी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये वाली किताब लिखी, जिसमें इंडिया के ऊपर जब ब्रिटिश लोगों का राज्य चल रहा था, जब उनके कार्यकाल चल रही थी इंडिया के ऊपर, तब इंडिया कैसा था, तब इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चीजें थी, कैसे वो राज्य कर रहे थे, क्या क्या उन्होंने जुल्म किए, सारी चीजें इस ग्रंथ के अंदर, इस किताब के अंदर जेम्स मिल ने मेंशन की है, ठीक है।
इनके बाद में कई सारे ऐसे अंग्रेज आए, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्टिपिस्टोन, ठीक है। उसके बाद में बॉम्बे के गवर्नर थे वो, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना गवर्नर, बॉम्बे के गवर्नर है जिसको आज मुंबई के नाम से अपन जानते हैं। इन्होंने 1841 में लिखी, देखो 1817 में जेम्स मिल ने लिखी, माउंट स्टुअर्टिपिस्टोन ने 1841 में लिखी। उसके बाद में फिर लोगों को लगा, अंग्रेज लोगों को, भैया इंडिया इंडिया क्या है यहाँ पे, भैया मराठाओं के बारे में लिखेंगे, मुगल के बारे में लिखेंगे। फिर ग्रैंड डफ आए, इन्होंने मराठाओं के बारे में लिखा, लेकिन इन सब ने कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगा दिए। क्या लगा दिए? लिमिटेशन। सीधी सी बात है, वो अंग्रेज है, अंग्रेज के बारे में मतलब अंग्रेज है इंडिया के बारे में लिख रहे हैं तो वो क्यों अच्छा लिखेंगे, वो लिमिटेशन लगाते थे। दो बातें अच्छी तो 20 बातें बुरी डाल देते थे। ग्रैंड डफ ने भी ऐसा ही किया, मराठाओं के बारे में लिखा, 4 बातें अच्छी तो 40 बुरी, ये डाल दी, लिमिटेशन लगा दिया, ठीक है, कि नहीं भैया कर ही नहीं सके, ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर आगे दो मराठा मतलब मराठा परिवार के दो जो युवा है वो सामने आए, आगे चलते हैं, हाँ इन फ्यूचर, तब ग्रैंड डफ थे नहीं थे वो नहीं पता, लेकिन आगे चल के, ठीक है, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ठीक है, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े और नीलकंठ जनार्दन कीर्तन, इन्होंने ग्रैंड डफ की जो लगाई हुई लिमिटेशन है, ठीक है, इसको पार करके उसको वापस से पब्लिश किया एक प्रकार से। ग्राइंड ऑफ की जो बुक थी, ठीक है, उनमें लिखा हुआ था ना मराठा हो गया, जैसे मैंने बताया 4 बातें अच्छी तो 40 बुरी, तो इन्होंने बताया कि नहीं, इन्होंने पूरी बातें बताई नहीं है, सिक्के के दोनों साइड के जो पहलू है वो बताए नहीं है, खुद की तरफदारी कर दी है, अंग्रेजों की तरफदारी कर दी है, लेकिन सच बात इन्होंने बताई ही नहीं है। ये सारी जो पोल है ये इन दोनों ने खोली, ठीक है, और फिर उसको क्या किया, अपने इसमें पब्लिश किया। ओके, आगे अपन देखेंगे जो सेकंड नंबर का पॉइंट है इस चैप्टर का, 2 ही पॉइंट का चैप्टर था, फर्स्ट पॉइंट अपना पूरा हो गया, ठीक है, एंशिएंट पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड, ठीक है। सेकंड नंबर का पॉइंट देखेंगे कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी यानी कि जब ब्रिटिश लोग आए थे, ठीक है, जब आए थे तो उनकी कुछ 13 कॉलोनीज थी, मतलब 13 कॉलोनीज समुद्र के किनारे पे, उन्होंने 13 जो कॉलोनीज थी जंगल के अंदर 13 कॉलोनीज बना के वो रहे थे। वो धीरे 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 उन्होंने पैर पसारे, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको उस टाइम पे क्या था, क्रिश्चियन लोगों का उनको सपोर्ट था। क्या था? क्रिश्चियन लोगों का उनको सपोर्ट था, ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर। और ये और उस टाइम पे उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी, जितने भी ग्रंथ लिख, ग्रंथ नहीं किताबें बोलो उसको, ठीक है, जितने भी उन्होंने किताबें लिखी, ठीक है, और उस टाइम की किताबें जितनी भी आपको मिलेगी, ठीक है, जितने भी आप पढ़ेंगे, वो टाइम था कुछ 1922 से 1937 का, ठीक है, ये जो किताबें जब पब्लिश हुई, ठीक है, तो ये किताबों के अंदर सारी हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी कि कॉलोनियल टाइम पे जब अंग्रेज लोग आए तो एक्चुअल में सिचुएशन कैसी थी, किन किन ने उनको सपोर्ट किया और कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया जिसके वजह से वो टिक पाए, वरना वो टिक थोड़ी पाते थे, ठीक है, उनको भारत के लोगों ने ही सपोर्ट किया, ठीक है। अब क्यों किया, क्या दिक्कत थी उसके लिए, तो ये सारी डिटेल्स में अपने को किताबें पढ़नी पड़ेगी, जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये उस किताबों की, ये उस किताबों का नाम, उस किताब का नाम है जिसकी 5 वॉल्यूम है, ठीक है, ये उस किताब का नाम है जिसकी कितनी वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम। कब छपी थी ये? 1922 से लेकर 1937 के बीच में। क्या लिखा गया उसके अंदर? तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि जब ब्रिटिश लोग कॉलोनी बना के इंडिया के अंदर आए थे, कॉलोनियल रूल जब चालू हो गया था, तो तब उनको किस किसने सपोर्ट किया। ओके, अंजू दुबे, हाय सर, हाय बेटा अंजू। देन हम देखेंगे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात ऐसी है, ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग आपको सबसे पहले बता दूं, ओरिएंटलिस्ट यानी ऐसा, देखो ये यहाँ पे भारत है, ठीक है, ये यहाँ पे भारत है। भारत में उस टाइम पे अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब ये सारी चीजें जो थी यूरोप को मालूम थी, जर्मनी को, इनको भी मालूम थी, इनको भी, सबको मालूम थी भैया, बातें जो है पसर जाती है, सबको मालूम थी कि यहाँ पे अंग्रेज लोग जो है वो राज कर रहे। अब इनको पता था कि भारत के साथ में गलत हो रहा है, इनमें से कोई मदद करने के लिए आगे आएगा? नहीं आए, ठीक है, कोई चाहता भी होगा, मैन पावर कम होगी, जो भी होगा, ठीक है। अब ओरिएंटलिस्ट यानी ऐसा कि ऐसी सिचुएशन जब अपने को समझ रहा है कि सामने वाले के साथ में गलत हो रहा है, तो किसी ना किसी टाइप से उनको मदद कर देना, या फिर उनके प्रति अपने मन में सहानुभूति रखना। सहानुभूति यानी कि अपन कबूल करते ना, यार गलत हो रहा है उसके साथ में, कुछ तो करना चाहिए, ठीक है, अपने ऐसा बोलते ना, नहीं यार उसको टीचर ने बेवजह मार दिया, मुझे कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ तो कर सकता था मैं, अपने ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब वो रहता है कि आप किसी और कंट्री से हो, आप किसी और देश से हो, आप किसी और कॉन्टिनेंट से हो, ठीक है, लेकिन आप अलग कंट्री वाले के लिए अपने मन में सहानुभूति रखते हो, प्रेम रखते हो, कि आपको समझ रहे कि उनके साथ में गलत हो रहा है, उसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग इसका।
तो उस टाइम पे ये कुछ वेस्ट वाले, अपन ने कल देखा ना इश्यू ऑफ डेवलपमेंट इन वेस्ट यूरोप वाले, ये कुछ यूरोप वाले स्कॉलर्स है, ठीक है, इन्होंने तब उस जमाने में, ठीक है, भारत के संस्कृत के जो ग्रंथ थे, ठीक है, भारत के संस्कृत के ग्रंथ जो थे वो मंगाए, उसके बाद में यूरोप के कुछ ग्रंथ थे वो मंगाए, दोनों को कंबाइन किया, देखा कि संस्कृत ही जो है वो मतलब मातृ ग्रंथ जो अपन बोलते हैं ना, वो ही जननी है सब मतलब पूरे दुनिया का, ऐसा इन्होंने क्या किया, एक अनुमान लगाया, ठीक है, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। और फिर इन्होंने ऐसे ऐसे बुक्स लिखे जिससे भारत के जो लोग हैं इनकी आंखें खुलेगी, ठीक है, भारत के लोगों को मदद मिलेगी अंग्रेजों को भगाने के लिए। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने उनके किताब के अंदर भारत का इतिहास लिखा कि अरे आप किसके मतलब, जैसे इन्होंने बताया कि आपके पहले हिंदू राजाओं थे, उनके पहले मराठा राजा थे, उन्होंने लड़ाई की, ये तो अंग्रेज लोग तो छोटे छोटे, उन्होंने बड़े बड़े दुश्मन को मार गिराया, काट भगाया, ठीक है, जो भी है, तो आप लोग क्यों डर के घर के अंदर बैठे हो। तो ऐसी किताबों को पढ़ने के बाद में भारतवासियों का खून खौला, ठीक है, उनको आईडी आई, वो पढ़े लिखे, ठीक है, उनके अंदर एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई, ठीक है। तो ये था ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, और ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी के अंदर ये जो जेम्स विलियम जोनस थे और फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो थे, ठीक है, इन्होंने लिखी थी वो किताब, और फिर बाद में उसको भारत में भेजा था। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी यानी कि नेशन के प्रति चाहना जागरूक करना, ठीक है, नेशन के प्रति चाहना जागरूक करना, ये भारत का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है, ठीक है, तो अपने नेशन के प्रति अपने लोगों में चाहना जागरूक करना। तो इसके लिए तब उस तब मतलब भारत के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, तो जैसे उस टाइम पे जन गण मन, राष्ट्रगीत, ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसे लोकगीत जो थे वो एफएम और रेडियो पे बजाए जाते थे, पेपर्स न्यूज़पेपर भी उस जमाने में चालू हो गए थे, 5वें नंबर के चैप्टर में अपने को डिटेल में पढ़ने मिलेगा, मास मीडिया हिस्ट्री में न्यूज़पेपर भी तब चालू हो गए थे, तो उसके अंदर भी ऐसी ऐसी खबरें आती थी जिससे अपने मन के अंदर एक नेशन वाली फीलिंग आए, नहीं यार हम सब भारतवासी है। पहले कैसा रहता था, अरे यार मैं मारवाड़ी, वो गुजराती है, वो मराठी है, मैं क्यों उसकी मदद करूँ, हाँ वो क्यों मेरी मदद करेगा, हाँ मैं मारवाड़ी तो मैं मारवाड़ी के पास जाऊंगा, वो मराठी उसको मराठी के पास जाने होना। अंग्रेजों ने पकड़ा, किसको पकड़ा भैया, गुजराती को पकड़ लिया, क्या गुजराती को जान दे, उसके समाज के लोग जाएंगे, नेशन वाली फीलिंग थी ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, पेपर के अंदर छाप, सालों लगे, बहुत साल लगे, एक दिन में नहीं हुई ये प्रोसेस, पेपर के अंदर, किताबों के अंदर देश गीत, लोकगीत, पोवाड़ा, शो, कार्यक्रम, फेस्टिवल, कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे अपने मन के अंदर नेशन वाली फीलिंग, अरे यार गुजराती है तो क्या हुआ, है तो मेरा भाई, मारवाड़ी तो क्या हुआ, है तो मेरा भाई, है तो भारतवासी, ठीक है। तो इस प्रकार से नेशन वाइड फीलिंग जो है वो उनके मन में पैदा हुई, और वो फिर सब एकजुट हुए बाद में, क्या हुए, एकजुट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऐसा है, वी के रजवाड़े, इनने 22 वॉल्यूम लिखे थे मराठांचा इतिहास, ठीक है, मराठांचा इतिहासाची साधने, इसकी उन्होंने 22 वॉल्यूम लिखी थी, 22 वॉल्यूम यानी कि 22 पार्ट पकड़ लो, 22 किताबें पकड़ लो, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे बोलते हैं, तो 22 पार्ट लिखे थे इन्होंने, किसके, मराठांचा इतिहासाची साधने इसके, ठीक है, प्लस इन्होंने मराठी ग्रामर भी लिखा है, और इनका ऐसा मानना था, ये पूरा जो पैराग्राफ है देखो, मराठी ग्रामर भी लिखा है इन्होंने, मराठी भाषा स्पष्ट शुद्ध, बहुत सारा व्याकरण आता है वो सब इन्होंने लिखा। उसके बाद में इनका ऐसा मानना था कि अपना इतिहास अपन ने लिखने होना, ठीक है, जैसे ग्रैंड डफ ने लिख दिया था मराठाओं का इतिहास, कुछ बातें अच्छी लिखी थी तो कुछ बुरी लिख दी थी, ठीक है, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, आगे चल के लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती, कंसेप्ट उनके क्लियर होते नहीं है जो इतिहास पढ़ेगा। इनका ऐसा मानना था अपना इतिहास है अपन लिखो, अपन भारतीय अपन लिखो, अपने को मालूम है ना सच्चाई, अपने से ज्यादा इंडिया के बारे में और कौन जानेगा, कोई थर्ड पार्टी जो इंडिया के अंदर आके राज कर रही है वो जानेगी, वो लिखेगी क्या इतिहास, नहीं, अपना इतिहास है अपन लिखो, अपन मराठा है अपन मराठी फैमिली को जानते हैं अपन लिखो, अपन मारवाड़ी अपन बचपन से जानते हैं अपन लिखो। तो इनका ऐसा मानना था कि अपना इतिहास अपन ने लिखना चाहिए, ओके। उसके बाद में विनायक डी सावरकर, इन्होंने भी 1857 में जब भारत की इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, 1857 में भी हुआ था वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1947 में तो भारत आजाद हो गया, लेकिन उसके ठीक 90 साल पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में। तो उस जमाने की सारी चीजें, उस वक्त की सारी चीजें इन्होंने अपने बुक के अंदर लिखी, और बुक का टाइटल भी उन्होंने वही रखा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम था इनका, विनायक डी सावरकर, इनको वी डी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। इनसे रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन तो भी आपको बोर्ड मार्क, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब आजादी के बाद का देखेंगे, बस आखिरी के 3 पॉइंट है, फटाफट से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, भारत को आजादी मिल गई, भारत को आजादी मिलने के बाद में क्या हुआ, तो भारत को आजादी मिलने के बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, ठीक है, वो भी हमने एडॉप्ट कर लिया, सब कर लिया। भारत को आजादी मिलने के बाद में कुछ आइडियोलॉजिकल स्कॉलर जो थे, जिन्होंने अपनी आइडिया जो थी वो आइडिया को अपनाते हुए कुछ ग्रंथ लिखे,
जैसे कि हमने पीछे भी देखे नोटेबल स्कॉलर, वो लास्ट में आया था, यहाँ पे भी नोटेबल स्कॉलर समझ लो, ये सब नोटेबल स्कॉलर है, तो ये भी लास्ट में आए, ठीक है। अब ये पढ़े लिखे तो इन्होंने तीन गढ़ मतलब तीन ग्रुप बने उस टाइम पे, ठीक है, हिस्ट्री के। तो एक मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरा सबाल्टर्न हिस्ट्री और तीसरा फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ऐसे तीन ग्रुप बने, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री यानी वो जो कार्ल मार्क्स जो थे, ठीक है, मार्क्सवादी अपन जिनको बोलते हैं, कार्ल मार्क्स के आदर्शों पे चलना, कार्ल मार्क्स के रूल्स को फॉलो करना, उनकी पार्टी को फॉलो करना, उनकी पार्टी को बनाए रखना, ठीक है। तो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री भी कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने ही बनाई थी। ये कौसंबी, कौसंबी दामोदर कौसंबी इनका नाम है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक प्रकार से लीडर थे, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखते समय इस बात पे जोर दिया, जैसे कार्ल मार्क्स बोलते थे कि भैया जो गरीब लोग हैं इनके बारे में हिस्ट्री लिखनी चाहिए, सेम सेम चीज, सेम आइडियोलॉजी, सेम इंडिया के अंदर भी, क्या गरीब लोगों के बारे में इतिहास लिखना चाहिए। इतिहास लिखने की शुरुआत जब होनी चाहिए तो गरीबों से होनी चाहिए, राजा महाराजाओं से नहीं। वहां का जो लोकल इंसान है उसकी जो बात है वो आप अपने किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाओ कि उसको क्या क्या दिक्कतें, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है अभी तक के, और ऐसे कब तक के वो फेस करेगा। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट सबाल्टर्न हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से ही जन्म लेके बनी है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बताया गया था, सीड्स ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से ही जन्म लेके ये बनी है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज यही है कि आप बॉटम मोस्ट, ठीक है, सोसाइटी के जो बॉटम मोस्ट यानी कि जो नीचे से नीचे लेवल के जो इंसान है, आप उनका जीवन चरित्र, उनके बायोग्राफी, उनके बारे में इतिहास, उनकी आवाज जो है वो ऊपर उठाओ, वो बुलंद करो, ना किसी पैसे वाले राजा महाराजा, जगह, स्पॉट, औषध, कपड़े, कॉस्ट्यूम, इसके ऊपर लिखो, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। सेम आगे चल के फिर कई सारे नोटेबल स्कॉलर, कई सारे फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले, इन्होंने भी किताब लिखी शूद्र अतिशूद्र, जिसके अंदर ये अपने को पता चला कि एक्चुअल में शूद्र कौन है, ठीक है, अपन शूद्र है या फिर कोई और शूद्र, यानी नीचे समाज वाला शूद्र है या फिर उच्च समाज वाला शूद्र है, ठीक है। एक्चुअल में शूद्र अतिशूद्र का मतलब क्या है ये उनके किताब के अंदर उन्होंने बताया, ठीक है। हु वेयर द शूद्र ऐसी, ठीक है, हु वेयर द शुद्रा से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था, सेम मतलब सेम इसके अंदर कि भाई शुद्रास एक्चुअल में है कौन, ठीक है। आप हमको बोलते हो कि हम भैया नीचे समाज के हैं, लेकिन नीचे समाज का एक्चुअल में कौन है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था कि आप मतलब इंसानियत भूल जाते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, इंसानियत भूल जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने एक बड़े समाज के अंदर जन्म लिया है। आप गरीबों को पानी भरने के लिए नदी पे नहीं जाने देते, ठीक है, आप उनके साथ किस किस प्रकार का सुलूक करते हो, सारी चीजें, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ कौन, मतलब एक्चुअल में गरीब कौन हुआ, हम कि आप, ठीक है। उसके बाद में फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में ऐसा बताया गया है कि अभी तक के जो अपन ने देखा, जैसे कि पिछले चैप्टर में भी अपन ने देखा था फीमेल का सबसे लास्ट में पॉइंट था, यहाँ पे भी फीमेल का सबसे लास्ट में पॉइंट, वहां पे सोविया दे बियोवियर ऐसा कुछ तो भी नाम था, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वैसा ही अपने को बताया गया, ठीक है। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी यानी कि अपन ने अभी तक देखा मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जितना भी देखा आदमियों के बारे में देखा, मेल के बारे में देखा। अब एक ऐसी लेडी की जरूरत थी जो कि खुद अदर लेडीज के बारे में लिखने की शुरुआत करे, ठीक है। तो ऐसी लेडी की जरूरत थी, वो लेडी थी ताराबाई शिंदे। कौन थी? ताराबाई शिंदे। 19th सेंचुरी में ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब लिखना चालू किया, ठीक है, और उसमें उन्होंने किताब का उन्होंने टाइटल नाम रखा स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, कि भाई हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हम भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ठीक है, हम भी यूनियन बनाते हैं, हम भी लड़ाई में साथ थे, हम भी पीछे नहीं है। पुराने जमाने में अगर आप इतिहास देखो तो पुराने जमाने में जिस तरह से राजाओं ने राज किया, किला संभाला, गढ़ संभाला, युद्ध जीते, रानियों ने भी जीते हैं, जितना साहस आप में है उतना साहस हम में भी है, फिर हमको आप मौका क्यों नहीं देते, हमको आप क्यों मतलब ऐसे कम समझते हो, ऐसा सब कुछ इन्होंने अपने किताब में लिखा। देन उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लेडीज आए जिन्होंने फिर ऐसे ग्रंथ लिखना चालू किया, लाइक पंडिता रमाबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, इनके बाद में पंडिता रमाबाई आई, इन्होंने हाई कास्ट, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन ऐसी किताबें लिखी, और आगे चल के बहुत सारे ऐसे किताब जो है अलग अलग प्रकार के लेडीज ने फिर लिखना चालू किया। अब यहाँ पे जो अपना चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो अपन देखेंगे अप्लाइड हिस्ट्री डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों के दिन अपन देखेंगे, और कल से मैं चालू करने वाला हूँ मराठी मीडियम की बैचेस। तो कल 2 बजे या फिर 2:15 बजे मैं लूंगा मराठी मीडियम का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपके जो मराठी मीडियम के फ्रेंड्स उनको बोल देना कि उनके बैचेस कल से चालू होने वाली है, तो कल 2:15 बजे वो आप मेरे को वो मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट में
कर लूंगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट देख लो, उसके बाद में इस चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट वगैरह होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे आप मेरे को कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ग्रुप में जुड़ने से आपका फायदा ऐसा होगा कि IMP क्वेश्चन, टेस्ट, नोट सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा, डाउट के सॉल्यूशन, मेरे वीडियो की जो लिंक्स वगैरह है, लेटेस्ट अपडेट्स जो है सब कुछ वहां से मिलता जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। ठीक है, चलो बाय बाय मेरे कछुओं, चाचा।